बन गई है और मॉर्निंग में सास ससुर ना श्राद्ध देने के लिए चले गए हैं। हम लोगों का ना मंदिर में श्राद्ध होता है, ऐसा होता है ना, हम लोग अगर जहाँ होता है जिस मंदिर में वहाँ हर कोई मंदिर में ही श्राद्ध देता है और ये आसान होता है। घर में थोड़ी सी झंझट होती है और सास ससुर अकेले हैं तो मंदिर में बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब आधा घंटे में काम खत्म हो जाता है। और मंदिर में श्राद्ध होता है इसीलिए मंदिर से प्रसाद भी आ जाता है, और क्योंकि घर में पितरों को चढ़ता है तो घर में थोड़ी सी खीर बननी ही है, तो वही मेरी खीर बन चुकी है। और अभी ना जो मंदिर जो गए हैं प्रसाद लाने के लिए वो लोग प्रसाद लेके आएंगे, फिर घर पे ही वही प्रसाद पितरों को अर्पण होगा, उसके बाद घर में खान पान होगा। तो ऐसे ही चलता हम लोगों का ना हर साल ऐसा ही होता है। हाँ, कोविड के टाइम में थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ था, घर में श्राद्ध किया गया था, लेकिन हमें जो आसानी होती है ना हम लोग मंदिर में जाके कर लेते हैं। और ये एक फैमिली टाइम होता है, एक बढ़िया सा फैमिली टाइम होता है जिस दिन श्राद्ध होता है, तो इस श्राद्ध वाले दिन को भी ना हम लोग अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि साफ सफाई बहुत बढ़िया से खत्म हो चुकी है और घर में एक त्योहार वाला माहौल आ जाता है। श्राद्ध के बाद थोड़ी सी खुशी आती है, क्योंकि जब तक श्राद्ध नहीं होता है ना घर में तो जितना काम होता है वो अलग से होता है, और श्राद्ध तक ना आपको बैठने और सांस लेने का भी समय नहीं होता, क्योंकि घर में इतनी साफ सफाई चलती रहती है। और जब श्राद्ध हो जाता है तो तब तक घर पूरा साफ हो जाता है, अब तो बस त्योहारों के लिए ही तैयारी होती है, मतलब दिल खुश रह जाता है, घर एकदम साफ सुथरा हो जाता है, और उसके बाद तो त्योहारों वाला मूड आ जाता है। क्योंकि हमारा श्राद्ध मंदिर में होता है, घर में थोड़ी सी खीर होती है जो कि ठाकुर जी और पितृपुरुष के लिए होता है। और आज मैंने जल्दी जल्दी में ना बिना कैरमलाइज वाली खीर बनाई है, रेसिपी फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मंदिर से श्राद्ध देने के बाद ये प्रसाद भी घर आ चुका है, और इस टाइम पर ना जब प्रसाद होता है तो उसमें ना केले के पत्ते में खाने का मज़ा ही कुछ और है, और ये प्रसाद केले के पत्ते से ही खाया जाता है। ये एक ट्रेडिशन होता है, मतलब हम लोगों का एक कल्चर होता है कि प्रसाद केले के पत्ते में ही खाया जाता है। और यहाँ बाहर पे टेबल चेयर लग रहा है, क्योंकि पूरा परिवार घर पे है, घर में जगह हो नहीं सकती और पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाते हैं, तो बाहर हम लोग बाहर पे टेबल चेयर लगा दिए हैं। और पहले बड़े लोग खा लेंगे, मतलब घर के जो पुरुष हैं, तो थाली लगा ली है, मतलब थाली तो क्या केले के पत्ते लगा लिए हैं, उसके बाद एक एक करके सबको प्रसाद सर्व कर देंगे, उसके बाद सब लोग बैठ के एक ही साथ खाएंगे। बड़े लोगों के साथ मतलब बच्चे भी आए हुए हैं, कोई बैठेंगे कोई नहीं, क्योंकि जब पूरा परिवार एक साथ हो जाता है ना बच्चे अपने आप ही खेल में मतलब खूब मस्ती करने लगते हैं और किसी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो इसी तरह से एक एक करके थाली प्रसाद की थाली लगा रहे हैं, सास ससुर अंदर ही बैठ के खाएंगे, क्योंकि उनका ना होता है जिस दिन श्राद्ध दे के आते हैं ऐसा नियम होता है कि वो अपने घर में ही बैठ के खाएं, तो उसी कुछ इसी तरह से नियम से तो यहाँ पे हमने सारी प्रसाद की लगा ली है। और हाँ, प्रसाद में क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपको अन्न दिखता है ना इसे कोरिया अन्न बोलते हैं, कुछ अन्न स्पेशल होता है इसकी फ्लेवर, और चना और साथ में मीठी वाली दाल, और घर पे खीर तो बनी ही थी, और साथ ही साग होता है और एक बेसर बोलते हैं, और पाचड़ी जो एक दही की बनती है, और साथ ही साथ दही थोड़ी मीठी सी होती है, और घर में जिसको चाहिए होता है उसमें प्लेन दाल। और हाँ, आज एक होता है जिसे घंटों भी बोलते हैं, वो घर में बनाया जा घर में ही बनता है, किसी किसी का तो फास्ट है तो वो उनका अलग से बनता है, हम लोग घर में किसी का फास्ट नहीं है लेकिन फिर भी बनता है, तो सब लोग यहाँ बैठ के खूब मज़े से प्रसाद का मज़ा ले रहे हैं। ये एक बहुत मतलब अलग सा फील होता है जब पूरा परिवार बैठ के ऐसे प्रसाद खाता है, कि और इस दिनों का ना सबको इंतज़ार रहता है कि पूरा परिवार मिलके प्रसाद ऐसे ही एक साथ बैठ के खाए, तो पूरा परिवार एक ही साथ बैठ के घर में प्रसाद का आनंद ले रहे हैं।
गया है हमारा और फाइनली आज का ना बहुत बड़ा काम खत्म हो गया है। और पूरी फैमिली, ये तो होता है ना, मतलब ये करीब 6 साल से ना हो गया था कि कोई फैमिली नहीं थे, हम लोग मंदिर में चले जाते थे, और ये आज 6 साल बाद हुआ है कि पूरी फैमिली घर पर है। तो हम लोग ना, ऐसा होता है कि मंदिर से ही प्रसाद आ जाता है, तो आज भी वही हुआ है, प्रसाद बढ़ चुका है, सब लोग खा भी चुके हैं, और अभी हमारी बारी है, मतलब लेडीज पार्टी अभी पीछे है। और तो आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलेंगे हम लोग किसी नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, कुछ भी अच्छा लगे और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।